हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। पिछली वीडियो में हमने देखा कि माइनिंग सदर की वैकेंसी के बारे में हमने बात किया, जो कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वारा निकाली गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको ओवरमैन की वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ, जो कि अंडरग्राउंड वैकेंसी है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, मैजिकल माइनिंग डॉट कॉम सर्च करना है। क्योंकि आपको अडानी पर आप जाएंगे तो कैसे आपको कहाँ से वैकेंसी देखनी है आपको नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ ऐसा रहता है कि अगर लोग सर्च भी करते हैं तो ढूंढ नहीं पाते वैकेंसीज़ का। मैंने देखा कई बार कई साइट्स में ऐसा होता है। तो मैजिकल माइनिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो मैजिकल माइनिंग में आप 3 डॉट पे क्लिक करिएगा, पर्सनलाइज जॉब पे जाइएगा। आपको नीचे भी जाएंगे तो मिल जाएगा पर्सनलाइज जॉब पर जाइएगा। हमने माइनिंग सदर की वैकेंसी के बारे में बात कर चुका है, ठीक है, अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो हम ओवरमैन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि परमानेंट वैकेंसी है नागपुर महाराष्ट्र की लोकेशन में, ठीक है। तो इस पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिए पहले क्या है, जो CMR 2017 में रेगुलेशन नंबर 47 के बेसिस पे जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ओवरमैन की, वही है, उसी के बेसिस पे सब चीज़ें हैं। आपको इक्विपमेंट की और मैन पावर सेफ्टी रखते हुए काम करना है, रूफ साइट और सिक्योर मैनर में जो सिस्टमेटिक सपोर्ट रोल के अपना ग्राउंड स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। आपका ड्रिलिंग ब्लास्टिंग शेड्यूल तैयार करना है, ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। आपका रोडवे सेफ्टी सिक्योरिंग रूप साइड स्टार्टा जो कि सिस्टमेटिक सपोर्ट टूल की, अब तो सिस्टमेटिक सपोर्ट टूल वर्क नहीं करता बट उसी के बेसिस पे काम करना है। मोनिटर डस्ट लेवल इन द माइन एंड टेक डस्ट कंट्रोल, डस्ट कंट्रोल के मेजरमेंट मेज़र करना आपको कि कहीं भी डस्ट कंट्रोल, क्योंकि कोल्ड डस्ट होगा तो फिर एक्सप्लोजन के चांसेस बन सकते हैं। आपको ओवर क्राउडिंग कंट्रोल करना है, मैन ऑन मशीनरी में ज़्यादा आपको ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेन ऑपरेशन और मैन पावर रिकॉर्ड का आपका एक रखना पड़ेगा, जो कि DGMS गाइडलाइंस के बेसिस पे रहेगा। आइडेंटिफाई आपको रिस्क करते हुए आपको मैनेजमेंट देखना है, ठीक है, अवॉइड एक्सीडेंट कोशिश करना है। गैसेस को आपको डिटेक्ट करते आना चाहिए, जो कि आपने किया होगा PDPT अगर किए होंगे या फिर PGPT किए होंगे तो आपको ये सब जो भी गैस डिटेक्टर रहते हैं, मल्टी गैस डिटेक्टर, फ्लेम सेफ्टी लैंप, तो आपको वो सब चीज़ों का काम करते आना चाहिए। यही सब के बारे में आपको यहाँ पे काम करना ही है। क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या है। क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो कहीं भी आपका 3 साल का डिप्लोमा है माइनिंग इंजीनियरिंग से और वैलिड आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट है, जो कि PDPT की होंगे पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट इशू होता है। और इसके साथ अगर अंडरग्राउंड वैकेंसी है तो आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होगा तो आप इसको फिल करिएगा। एक्सपीरियंस आपको एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा अंडरग्राउंड कोल माइनिंग का। अगर कोई भी पर्सन जैसे TMC वगैरह हो गया, कई ऐसी साइट्स हैं जो जिसमें कैंडिडेट शुरू में काम किया है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, तो कोशिश करें कि वो लोग फिल कर दीजिएगा वैकेंसी, क्योंकि आपको एक बड़ा अप्रोच मिल रहा है अडानी की तरफ से। अडानी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके कई कोल ब्लॉक अभी परसा कैंटा वगैरह में छत्तीसगढ़ में चालू हुए हैं, नागपुर में अभी जो नया कोल ब्लॉक है तो उसमें ये सब है। वैकेंसी तो नागपुर की है तो आप लोग फिल करिएगा, अगर 2 साल एक्सपीरियंस है तो। आप अगर नहीं भी है तो आपको जितना भी एक्सपीरियंस, अगर अंडरग्राउंड में आपने 1 साल भी काम किया है ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद में, तो फिल करिएगा। क्योंकि देखिए अंडरग्राउंड के लिए ज़्यादातर लोगों का क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादातर लोग काम करते हैं ओपन कास्ट में, सोर्स के जरिए कैसे भी लग जाते हैं, बट अंडरग्राउंड में इतना पॉसिबल नहीं है। कोई भी वर्कर अगर कैंडिडेट अगर काम किया है 1 साल भी, तो आप लोग अंडरग्राउंड में ही फिल कर दीजिएगा वैकेंसी। चांसेस हैं 90% चांसेस है कि आपके हो जाएंगे, कोई कई टाइम से वैकेंसी ये ओपन है, तो उनको कैंडिडेट नहीं मिले हैं तभी ये ओपन है, अगर हो गए होता तो फिल कर देता है। अडानी ज़्यादा टाइम तक के लिए ओपन नहीं रखता है, कई वैकेंसी आती है वो जल्दी जल्दी फिल कर देता है। आपको फिल करना है कैसे, अप्लाई फॉर जॉब पर जाएंगे तो अप्लाई फॉर दिस जॉब प्लीज़ विजिट adani.com, अडानी की डायरेक्ट आपकी साइट में खुल जाएगा, जो कि अभी ओपन है, वैकेंसी ओपन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज 3 तारीख को बना रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जल्दी जल्दी फिल कर दीजिएगा। अगली पता नहीं कल ओपन रहता है नहीं, पर आज अगर है तो आप फिल कर दीजिएगा। आपको अबाउट अस अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ ईमेल एड्रेस डाल के वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल आईडी में, आप फिर आप फिल करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। एक बार के लिए नहीं, एक बार अकाउंट कर देंगे आप, उसे कवर लेटर डाल दीजिएगा, रिज्यूम अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको ये चांसेस बढ़ जाते हैं और उसमें अपनी
पूरी डिटेल फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा। देखिए पोस्टिंग डेट कब है, 26/6/2024। अप्लाई बिफोर कब, 6/7/2024 से पहले आपको अप्लाई करना है। तो अभी अभी चांस है आपके पास, आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिल कर दीजिए और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी फ्रेशर्स और न्यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट आता है माइनिंग में, तो आपको वहाँ पे सब पता चल जाएगा। मैं गाइड भी करता रहता हूँ आपको, कैसे रिज्यूम टिप्स देता रहता हूँ। और आपको अभी मैं कोशिश करूँगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, तो मैं उसके बारे में कुछ वीडियोस बनाऊँगा। तो आप लोग अगर इच्छुक हैं देखने के, जानने के, सीखने के, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू आपको समझाऊँगा। थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा अभी न्यू, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको उतना शेयर करूँगा। जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन में कुछ सीनियर से मैं गाइडेंस लेके आपको उस चीज़ के बारे में बता के समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और इसको फिल कैसे करना है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप फिल करिएगा अगर क्वालिफाइड हैं इस वैकेंसी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू वैकेंसी के साथ। गुड बाय।